मुअज्जज़ भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात मिली हैं कि हमारे कुछ अहबाब अपने बैठकों में, छतों पर, मकानों में बहुत बहुत सारे इकट्ठे होकर के जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, मुफ्तियान इकराम ने इस बात की रहनुमाई फरमा दी है कि सब के सब अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, घरों में भी दो दो तीन तीन आदमी होते हैं तो दो दो तीन तीन आदमी अपने अपने घरों में अपनी नमाज अदा कर ले, अगर कोई ना हो तो अपनी इनफरादी नमाज अदा कर ले, तो फिर हम अपने उलमा की, अपने बुजुर्गों की बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरे भाइयों, उलमा इकराम, ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अब दुनिया के अंदर कोई नबी नहीं आएगा, अब उलमा इकराम ही की बातों को माना जाएगा। और अगर हम नहीं मान रहे हैं तो फिर ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुछ जगहों से जो है पुलिस नमाजियों को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। इसलिए आप जो है मानिए बात को मेरे भाइयों, जब पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई करेगी फिर हमें परेशानी होगी। इसलिए जहां से ऐसी तिलावत मौसूल हो रही है उनको चाहिए कि अपने घरों में दो दो आदमी, तीन तीन आदमी अपनी जमात से नमाज अदा कर लें, और जो इकट्ठे होकर जमात से नमाज पढ़ी जा रही है वो इकट्ठे ना हो। मस्जिदों से जमात के लिए इसीलिए रोका गया था कि वो हुजूम ना हो। देखिए, मिस्र के अंदर एक बीमारी आई थी और उस बीमारी में 40 लोग गिरफ्तार हुए। लोगों ने जब ये देखा कि बीमारी आ रही है तो उन्होंने सबने एक जगह इकट्ठे होकर के, भीड़ इकट्ठी करके उन्होंने इज्तिमाई दुआ की, जिसकी के पीछे ये हुआ कि वो बीमारी और फैल गई उन लोगों में। तो मकसद था मस्जिदों में जमात से नमाज अदा न करने का कि भीड़ से रुकना, लेकिन वो मकसद तो कहीं ना कहीं फिर भी फोत हो रहा है। लोग घरों में अपनी जो नमाज अदा कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं वो मकसद फिर भी फोत हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को मानो, जब पुलिस कार्रवाई करेगी और कर रही है तो उससे फिर परेशानी होगी। उम्मीद है कि इस बात को हम सब मानेंगे और हम सब उस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से, इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।